अब ये देखो एक प्रॉब्लम है, कहता प्रॉब्लम देखो तीन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वर्टिकल में है, 3m 2m m f तीन ब्लॉक हैं। अब तीनों भी वेलोसिटी से एक फोर्स खींच रहा है, उसको फोर्स खींच रहा है, लेकिन नीचे भी कुछ फोर्स लग रहा है, अर्थ का तो लग रहा होगा ना, इस पे mg वगैरह, अब बीच में इंटरनल फोर्स लग रहा है, टेंशन वगैरह। तो अगर ये तीनों वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी v से ऊपर जा रहे हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 2m वाला, 2m कहाँ है, यहाँ है, तो 2m वाले पर नेट फोर्स कितना होगा यार। तो 2m वाले पर नेट फोर्स निकालने के लिए एक तो तरीका है कि हर एक पे फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, एक तरीका है हर पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इक्वेशन बनाऊं, उसको सॉल्व करूं और फिर मैं आंसर निकालूं। दूसरा तरीका है कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से इसको कैसे करोगे, सब हमको पता है कि ये तीनों ब्लॉक को एक मान लो, इन तीनों ब्लॉक को एक मान लो, और ऊपर फोर्स एफ लग रहा है और नीचे 3mg 2mg और m, कुल मिला के जो भी नीचे, ठीक है, 6mg नीचे लग रहा है, 6mg f के बराबर होगा, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, नेट फोर्स जीरो है इस पे, नेट फोर्स जीरो है क्योंकि 6mg अर्थ की ग्रेविटी f के बराबर होगा, तभी तो b से चलेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पे नेट फोर्स जीरो है, तो टू वाले पे नेट फोर्स क्या है, टू वाले पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब जीरो ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। या नहीं तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप इसको करो, ठीक है। एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो एफ इधर लगा और यहाँ पे टेंशन टी लगा और ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। दूसरे 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, टी इधर लगा, टी डैश इधर लगा और 2mg नीचे लगा, ठीक है, और यहाँ से एक mg भी लगेगी, mg नीचे लगा। तो इसका जब इक्वेशन लिखोगे तो f अगर इसकी वेलोसिटी भी है, f माइनस टी प्लस mg दैट इज इक्वल टू एक्सलेशन जीरो है ये, तो ये अब दूसरा यहाँ से लिखो टी माइनस टी डैश और माइनस टू एम जी दैट इज इक्वल टू एक्सलेशन जीरो है, तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मुझे हमें चाहिए टी की, हमें चाहिए इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है उस पर वैल्यू, इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज वो कहाँ से निकलेगा यार, जब तक जो है टी डैश, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक टेंशन लग रहा है और एक 2mg टी डैश, तो ये तुम्हें टी डैश निकालना पड़ेगा और टी निकालना पड़ेगा, टी डैश निकालना पड़ेगा और टी निकालना पड़ेगा। तो टी यहाँ से आ जाएगा और टी डैश एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इस पे, इसमें यहाँ टेंशन टी डैश और नीचे 3mg, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टी डैश माइनस 3mg दैट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सभी का वेलोसिटी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि टी डैश इज इक्वल टू 3mg, तो टी डैश की वैल्यू 3mg है और टी की वैल्यू जो है, वहाँ से देखो टी की वैल्यू, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू जो है वो, यहाँ से टी की वैल्यू एफ माइनस एमजी के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ से मुझे इस पे जो फोर्स लग रहा है टेंशन, अब टी डैश की वैल्यू यहाँ रखोगे टी, तो टी माइनस टी डैश की वैल्यू रखोगे तो ये 3mg और माइनस 2mg दैट इक्वल टू जीरो, मतलब टी इज इक्वल टू 5mg के इक्वल आ गया। तो टी इज इक्वल टू 5mg के इक्वल आ गया। अब देखो जो ऊपर लग रहा है टी दैट इज 5mg और नीचे जो लग रहा है वो 2mg, तो ग्राउंड लगाया और टी डैश ये यहाँ से टी डैश, ठीक है, 3mg, तो ऊपर 5mg टी और नीचे 5mg, कुल मिला के नेट फोर्स जीरो है। तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा और इस पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, किसी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये तो हो गया लॉजिक्स, ठीक है, ऐसे चलो।